हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाड़ी के 15,000 किलोमीटर हो चुके हैं, वैसे तो 15,000 प्लस हो गया, आई थिंक 15,200 किलोमीटर है, वो अभी मैं आपको चेक करा दूंगा। तो अभी जो है इस गाड़ी का कंप्लीट मेरे को पता लग चुका है कि भाई गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है, गाड़ी चलने में कैसी है, इतने टाइम बाद इसमें क्या क्या कमी है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने शायद आपको बताया भी था कि जब मैं सर्विस कराने गया था ना, तो यहाँ पर ये देखो, ये जो फ्रंट में है ना, ये यहाँ पर ये लगी थी इस जगह पे, तो वो जो सर्विस वाला जो बंदा था, एडवाइज़र था, उसने ये मारी थी यहाँ पे, ये जो गेट में लगी थी। प्लस आप देख सकते हो थोड़ा सा जो ये स्क्रैच वगैरह ना यहाँ पे ये है, और ये देखो नीचे हल्का सा लगा था। फिर बाद में जो एक इसमें डेंट आया था वो आया था यहाँ पे भाई, ये देखो ये जो है ये इसका, देखो ये जो है ये बैक साइड है। यहाँ पे क्या हुआ था, गाड़ी मैं लेके खड़ा हुआ था तो बस जस्ट अचानक पीछे से किसी ने ला के टच ही करी, तो इसमें ये जो है ये पहला डेंट आया था। ये आप देखो यहाँ से हल्का सा, ज़्यादा अगर आपको दिख रहा होगा ना, मैं यहाँ से टॉप व्यू से दिखाता हूँ, ये देखो ये हल्का सा यहाँ पे अंदर की तरफ चला गया, इसमें हुआ कुछ नहीं था, सिर्फ गाड़ी जो है वो टच हुई थी, इसलिए यहाँ पे ये इसमें जो है ये डेंट आया। बराबर के सामने स्थिति है गाड़ी की राइट नाउ। राइट, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसका जो है इंटीरियर। इंटीरियर में एज सच कोई दिक्कत नहीं है, सब जैसा बिल्कुल कंपनी से आया था वैसा हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है। अभी एक मैंने शॉर्ट भी बना के डाला था, इसमें मैंने दिखाया था कि ये हल्का सा क्या हुआ, अब यहाँ पे गैप आना शुरू हो गया। ये देखो बंद कर दो ना, तो ये बाकी भाई आपको तो पता ही है मारुति की जो क्वालिटी है वो आपके साथ आप लोगों के सामने ही है। बाकी एज सच जो ये स्विचेस वगैरह है वो कोई दिक्कत नहीं है, सब अपनी तरफ से पूरा परफॉर्म कर रहे हैं पीछे से। बाकी जो विंडो रोल वगैरह का है बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, अभी तक एज सच कोई भी इसमें दिक्कत परेशानी नहीं आई है, अभी तक तो नहीं आई है। राइट, मेन बात करते हैं गाड़ी की परफॉर्मेंस की, कि अब तक क्या समस्या वगैरह आई। आप लोगों को पता होगा मैंने आप लोगों के सामने एक वीडियो शेयर करी थी कि जिसमें सबसे पहले प्रॉब्लम ना मेरे को इसमें यह आया था गियर को लेके, इसमें ये इसमें जब मैं थर्ड गियर में चलाता हूँ ना, तो थर्ड गियर में चलाने पे ये इसमें मेरे को टक टक की आवाज़ आ रही थी। बराबर, वो मैंने चेंज कराया था, आपको वो वीडियो का सॉल्यूशन भी बना के दिखाया था कि इन्होंने क्या किया था। अब उसमें क्या हुआ, वीडियो इनमें जो मैंने आपको दिखाया था कि इसमें जो ना गियर सेलेक्टर होता है राइट, वो इन्होंने चेंज किया। बराबर, चेंज कर दिया, सब कुछ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, एक डेढ़ महीना चला कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब पिछले एक महीने से ये दोबारा से वही दिक्कत आने शुरू हो गई। मतलब थर्ड गियर में अभी भी जब भी मतलब धीरे ऐसे इनिशियल जब आप थर्ड गियर में पिक करते हैं ना गाड़ी को, तो ये वही हिलने लगता है और वही टक टक की आवाज़ इसमें वही शुरू हो गई है। मैंने ये चीज़ अभी बताया था, मैं कुछ काम कराने के लिए गया था अभी, तो जो मैंने वीडियो बना के डाला था कि उसमें ब्लोअर में वो कुछ पत्ते वगैरह फंस गए थे, तब मैंने उसको बताया था एडवाइज़र को कि जिसने पहले गाड़ी ठीक करी थी कि भाई इसमें ये दोबारा प्रॉब्लम आ रही है, तो उसने बोला कि सर ठीक है, अभी आपकी गाड़ी जब 20,000 किलोमीटर चल लेगी तब आप इसको एक बार चेक करा लेना। और वैसे मेरे पास टाइम भी नहीं था क्योंकि उसमें बहुत लंबा प्रोसेस होता, अब ये दोबारा से देखना पड़ेगा कि भाई गियर सेलेक्टर की तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो चेंज कर दिया नया, अब दोबारा ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो एक बार देखना पड़ेगा कि अब दोबारा से क्या इशू है। बराबर, दूसरा मेरे को क्या इसमें लग रहा है बार बार, मैंने एक वीडियो भी, मैं देखो हर चीज़ की वीडियो बना के ऑलरेडी डाल चुका हूँ और आपको बता चुका हूँ टाइम टू टाइम, अब इस गाड़ी का जो ब्रेक है ना भाई, बहुत लिटरली क्या है, बहुत नीचे जाके जो है ना गियर लग, जो सॉरी ब्रेक जो है वो लगता है। अभी आपको मैं चीज़ दिखाता हूँ, देखो गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, गाड़ी स्टार्ट करी, अब आप देखना ये देखो ये कित, ये देखो कितना नीचे जाके, ये देखो कितना नीचे जाके लग रहा है। अब इसको आप जब यहाँ ले जाके अब यहाँ पे प्रेस करोगे ना, तब ये जो है ब्रेक जो है यहाँ पे सही उसमें बिल्कुल, तब मतलब एक आपको लगता है कि जो ब्रेक है वो इफेक्टिव पोजीशन में अपने आ रहा है, वहाँ से वो जो है एक बाइट मिलनी शुरू होती है। और तीसरा इसमें मेरे को कमी क्या लगी है भाई, अभी तो मैं इसके नेगेटिव ही बता रहा हूँ कि जो मैं अभी तक इसमें फील किया, अब क्या है जो जैसे गाड़ी स्टार्टिंग में नहीं होती है कोई समस्या नहीं आती है, लेकिन अब इसमें क्या है कि जब मैं देखो ये इस टाइप की सड़क है, हाईवे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब मैं थोड़ा, अब मेरी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, ये गाड़ी को मैं ऐसी ऐसी जगह लेके जा चुका हूँ, इतनी इतनी मतलब बिल्कुल जहाँ सड़क भी नहीं है वहाँ ऐसी गाड़ी चलाई है, आपने वीडियोस में भी देखा होगा, वो तो जस्ट एक ट्रेलर था, सब चीज़ नहीं डाल सकता मैं, तो गाड़ी अब लिटरली क्या होगा, अगर मैं थोड़ी बैड रोड पे लेके जाऊँगा ना, तो गाड़ी जो है वो खड़कने शुरू हो रही है हल्की हल्की, इसमें रैटलिंग तो छोड़ो, गाड़ी अब खड़कने की आवाज़ आ रही है, और लिटरली मैं थोड़ा केयर करके भी गाड़ी को चलाता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरी गाड़ी सीएनजी है और पता है पीछे सिलेंडर है, तो मैं थोड़ी सी प्रिकॉशन पहले लेके चलता हूँ कि नहीं मेरी सीएनजी की गाड़ी है। तो ये थोड़ी सी मेरे को इसमें कमियां लगी अब तक जो 15,000 किलोमीटर और ये मतलब 13 महीने के आसपास हो गई है गाड़ी, वन प्लस हो चुकी है लिए हुए, ये मेरे को अभी तक फील आई है। बाकी इसके बाद अगर कुछ आती है तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैं अब ये नहीं सोचता हूँ लिटरली कि कहीं ये फंस जाएगी या कुछ होगा,
देखो 12 इंच के इसके टायर आते हैं, 12 इंच के इसके जो टायर है, मुझे मतलब अभी तक ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, 15,000 किलोमीटर चला चुका हूँ उस गाड़ी को, कि ये कहीं फंसी है आज तक, मतलब टच वुड आज तक नहीं फंसी है। क्योंकि देखो एक आपका चलाने का और गाड़ी को निकालने का एक तरीका होता है, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है ना गाड़ी चलाने का, तो आपकी गाड़ी लिटरली नहीं फंसेगी। हाँ, अगर ऐसा है कि भाई बिल्कुल ऐसे इस टाइप की जगह पर बिल्कुल लेके जाओगे, जैसे ये होगी, ये आप देखो भाई, अब ऐसी जगह ऑफ रोडिंग करोगे या कुछ करोगे तो भाई वो फंसने की चांसेस हो सकते हैं, बट आपको पता है कि आपकी गाड़ी की क्या लिमिटेशंस है, तो उसी हिसाब से गाड़ी चलो, राइट। इतनी कंफर्टेबल गाड़ी है भाई, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, मज़ा आ जाता है। बट हाँ, इसके एक नेगेटिव पॉइंट में ये मैं और ऐड करूँगा कि लॉन्ग ड्राइव पर अगर इसको आप लेके जाते हो, कंटिन्यू चला रहे हो, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया 250-300 किलोमीटर चला रहे हो, और मेरी हाइट जितनी बन जाएगा 5'10" या 5'11" के आसपास है आपकी हाइट, वहाँ आपको शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। अंटी एनलेस वो भी आप कंफर्टेबल तब रहोगे जब आपकी पीछे ये जो सीट है ना, आपकी जो ड्राइवर सीट है, ये पूरी पीछे होगी और पीछे कोई ना बैठा हो बशर्ते, क्योंकि देखो अगर पूरी पीछे, इसमें कोई भी लिटरली जगह नहीं है इसमें, राइट। तो अगर पीछे नहीं है या बिल्कुल कोई बच्चा बैठा है, तब आप इसमें आराम से कंफर्टेबली जाओगे। शहर में चलाने के लिए आप आगे सीट करके चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। तो ये इसका थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। बाकी सस्पेंशन एक नंबर लाजवाब, टचवुड आज तक सस्पेंशन में, अभी तक तो मुझे तो कोई ऐसा नहीं लगा कि सस्पेंशन में कहीं इसमें कोई कमी मेरे को नज़र आई हो। सस्पेंशन बहुत स्मूथ, बिल्कुल अल्टीमेट चलता है। और एक इसका लिमिटेशन मैंने ये बताया था कि पीछे जो इसमें है वो CNG है भाई पूरा, इसमें कोई भी आपका सामान रखने का, लगेज रखने का तो मतलब पॉसिबिलिटी है ही नहीं। एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ मैं, और बाकी एक पीछे से आपको दिखा देता हूँ। देखो इसमें सिलेंडर लगा है, कुछ भी आप सामान नहीं रख सकते हो, कोई स्पेस नहीं है, नथिंग, जीरो। थोड़ा सा पेपर्स वगैरह है वो आप ऊपर कैरी कर सकते हो, इन वो भी तब अगर आप पार्सल ट्रे आपने लगाई है। अगर पार्सल ट्रे नहीं है ना, कंपनी से पार्सल ट्रे नहीं आती है इसके अंदर, राइट। तो आप ये बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि सिलेंडर के ऊपर अपना बैग्स वगैरह कैरी करो, क्योंकि वो लोडेड होते हैं और इस पर एक्स्ट्रा लोड आ जाएगा। कंपनी भी ये रिकमेंड नहीं करती कि आप सिलेंडर के ऊपर आप वेट कैरी करके चलो, ठीक है भाई। तो ये तो इसके प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स है भाई। मेरे को अगर देखो सीरियसली अगर आप पूछो ना, मेरी जो रिक्वायरमेंट थी फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ माय वीडियो, मैंने जब से चैनल पर डाली है ना, मैंने ये क्लियर कर दिया था कि ये गाड़ी स्पेशल मैंने क्यों ली है। भले ही चाहे एस्प्रेसो थी उस टाइम पे, वैगनार थी, सिलेरियो थी, बहुत सारे कॉम्पिटिशन में गाड़ी थी, बट मैंने अल्टो ही क्यों चूज़ करी, मैंने आपको क्लियर बताया था। नहीं है तो आप एक बार वीडियो देखो कि ये गाड़ी चूज़ करने का मेरा एक्चुअल रीज़न क्या था, राइट। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि गाड़ी दबके चलती है, हाँ ठीक है, इसमें क्या है, मैंने स्पेशल अलग से वीडियो बनाई है कि भाई क्यों आपको लेनी चाहिए, किन लोगों के लिए, किन लोगों के लिए नहीं है। तो भाई देखो ये अभी करंट स्थिति है इंजन की, बिल्कुल ठीक है, अभी जैसा नॉर्मली रहता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा तो नहीं है। बाकी मैंने इसमें सिर्फ जो है लाइट का मॉडिफिकेशन कराया है इसमें, वो भी अच्छी क्वालिटी का, आप वीडियो देख सकते हो अगर आपको देखना है, मॉडिफिकेशन में अगर आपको देखना है। इसमें मैंने आपका 90x100 के जो वाटिस के बल्ब हैं वो अपग्रेड कराए हैं, हालांकि इसमें जो है वो रिले लगाई है मैंने, और फिलिप्स के जो हैं वो बल्ब लगाए हैं, राइट। इसके अलावा कोई छेड़छाड़ नहीं करवाया। बाकी आप देख सकते हो ये करंट स्थिति है। जब मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में गाड़ी चलाता था, CNG पे जब चलाता था और पेट्रोल पे चलाता था, तब मुझे डिफरेंस फील होता था पावर का, पावर की मैं जो मैं बात कर रहा हूँ, राइट। वो कैसे होता था कि जब मैं इसको CNG पे उठाता था ना गाड़ी को, या ओवरटेक वगैरह करता था, तब मेरे को लगता था कि यार पावर थोड़ी सी कम है और इंजन थोड़ा शायद मे बी स्मूथ नहीं है, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था CNG गाड़ी चलाने का, राइट। अब जब मैं इसको CNG पे चलाता हूँ ना और पेट्रोल पे चलाता हूँ, तो अब करंट मेरे को जो है ये CNG पे ज़्यादा स्मूथ लगती है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल। अब मेरे को कोई भी पता नहीं लगता कि थोड़ी सी पावर में वो 19-20 का फ़र्क है, बट अब मैं मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को गाड़ी कैसे हैंडल करनी है ये पर्टिकुलर 800cc इंजन। ये मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी शेयर आप लोगों के साथ किया है कि आप ये आपको मैंने बताया था कि कैसे ओवरटेक करना है, कैसे आप लोगों को अपनी गाड़ी को जो है टैकल करना है। बाकी AC में ऑलरेडी बताया वीडियो बना के, कोई भी डिफरेंस नहीं है, चाहे पेट्रोल पे चला लो AC को, चाहे CNG पे चला लो, AC एक नंबर जबरदस्त AC है, कोई भी परेशानी नहीं है भगाने में। जहां से मैं कहूंगा फोर्थ गियर पे चल रही है, फोर्थ गियर पे ही गाड़ी पीक हो गई है, राइट।
इसको चाहे मैं फिफ्थ गियर पे डाल के उठाऊंगा, वहीं से पिक कर लूंगा। मेरे को अब पता लग गया है कि कौन सी स्पीड पे जाके किस गियर पे आप अपनी गाड़ी का मोमेंटम में ला सकते हो, राइट। तो जब आप थोड़ा सा टाइम अपनी गाड़ी के साथ बिताते हो, थोड़ा सा इंजॉय करते हो ना, तो आपको पूरा पता लग जाता है कि आपकी गाड़ी के क्या प्लस हैं क्या नेगेटिव हैं, तो उसमें आप आराम से अपनी गाड़ी को जो है टैकल कर सकते हो, राइट। तो भाई अब रही मुद्दे की बात, इस गाड़ी से मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ। ये जो थोड़ी बहुत कमी पेशी आती है, गाड़ी की रेटलिंग आती है या कुछ भी है, बिल्ड क्वालिटी, वो आपको पहले से ही पता है कि मारुति का जो बिल्ड क्वालिटी है वो क्या है। मैं उसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहता, इसलिए मैंने अभी तक आपको ये भी नहीं बताया और इतना स्ट्रेस करके वीडियो भी नहीं बताया कि मारुति की क्वालिटी बहुत अच्छी है या मैं उसके गुणगान करने के लिए। वो जग जाहिर है, सबको पता है कि क्या क्वालिटी है मारुति की, इतनी भी बुरी भी नहीं है और इतनी भी सुपीरियर नहीं है, राइट। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपके बजट के लिए, आपकी रिक्वायरमेंट के लिए, आपको चलानी कहाँ पे है। आपके हर बंदे के लिए सेफ्टी जरूरी होती है, बट अगर जिस बंदे को लोकल गांव में ही घूमना है, शहर के अंदर ही घूमना है, तो वो क्या करेगा भाई लेके, बताओ। वो बाकी आपका डिसीजन है, मैं उसमें कुछ नहीं बता रहा हूँ या कुछ किसी को कमेंट नहीं कर रहा हूँ कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सा अगर आप एक्सटेंड कर सकते हो आप ले लो भाई उस चीज को, वो आपके ऊपर डिपेंड है, राइट। कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो मैं इस गाड़ी की परफॉर्मेंस से अब तक फुल सेटिस्फाइड हूँ। आगे क्या खर्चा देगी, क्या इसमें कुछ कमी वगैरह आएगी, कैसा रहेगा, क्या फीडबैक रहेगा आने वाले टाइम में, वो आप लोगों के साथ मैं जरूर शेयर करूंगा भाई। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।